कि राजस्थान में राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्री करणी सिंह जी, राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ जिस प्रकार से ये निर्मम हत्याकांड कारित हुआ है, उनके घर में घुसकर जिस प्रकार से एक गैंगवार ने जो जिम्मेदारी ली है कि रोहित गोदारा गैंग ने कि हमने ये हत्या कारित की है, तो ये सर्व समाज में नहीं पूरे राजस्थान में आक्रोश है। और इस आक्रोश के आधार पे ये अपन कह सकते हैं कि आज पूरा राजस्थान बंद है, तो इसका 36 कौम में किसी जाति विशेष के साथ नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 36 कौम के साथ था। और आज जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ जो ये अन्याय हुआ है, निर्मम हत्या घर में घुसकर की गई है, इसके लिए आज पूरा राजस्थान बंद है। ये इस बात को दर्शाता है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सिर्फ राजपूत समाज का नेता नहीं था, वो 36 कौम का नेता था। जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी पूरे भारत वर्ष में जागृत किया है, वहां पे पश्चिमी इंडिया से लेकर पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने राजपूत समाज को जागृत किया है, ऐसा कहीं पर भी आज तक राजपूत समाज ने राजपूत समाज को लेकर एकाग्रता जाहिर करके इस तरह से जागृत नहीं किया है। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं शांति और अनुशासन की, तो मेरा निवेदन है कि राजपूत समाज हमेशा शांति और अनुशासन प्रिय रहा है, लेकिन जब इस प्रकार की हरकतें कारित की जाती है, हमारे घर में घुसकर हमारे को मारा जाता है, तब राजपूत समाज चुप रहने वाला नहीं है। कई बार हमारे नेताओं द्वारा और भी बड़े नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि भाई जो भी है राजपूत समाज को अनुशासन में रहना है। रही बात अनुशासन की, हम हमेशा अनुशासन प्रिय है और अनुशासन प्रिय रहेंगे, लेकिन जब बात हमारे घर में घुसकर मारने की आती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम वहां पर चुप रहने वाले नहीं है। जैसा कि अपने राजनेता, मैं एक सामाजिक आदमी और सामाजिक बात करूंगा, राजनेता बयान देते हैं कि आप उल्टी फुल्टी सेनाओं में जाओगे, यो करेंगे, तो ये कोई उल्टी फुल्टी सेनाएं नहीं है। जो हरकतें आज हो रही है, ऐसे सुखदेव सिंह के साथ जो हरकत हुई है, ऐसी हरकतें अगर सुखदेव सिंह जैसे नेता और सेनाएं तैयार नहीं होगी, तो बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री पद और लेके बैठे हैं, उनके घर में भी होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो मेरा सर्व समाज से ये निवेदन है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, चाहे साटा प्रकरण हो, चाहे राजपूत की आवाज हो, चाहे जाण की आवाज हो, चाहे जाट की आवाज हो, 36 कौम की आवाज जहां पर भी मिली है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वहां पर हाजिर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को आज से 6 महीने पहले धमकी मिल गई थी कि भाई वहां पर से पंजाब पुलिस ने, आईबी ने ये सूचना दे दी थी कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर सुमित नेहरा गैंग कभी भी हमला कर सकती है, उनकी जान को खतरा है, इसको लेकर हमारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने एक प्रेस वार्ता करके सरकार से सुरक्षा भी मांगी थी, सरकार से निवेदन किया था कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं दी गई। ये सरकार की, राजपूत समाज ही नहीं, सभी के प्रति एक उदासीनता का निर्णय है। तो इसके खिलाफ हमें आक्रोशित होकर सभी को, सर्व समाज को साथ लेकर और राजपूत समाज एक साथ सबको बिठा के, एक जाजम पे बिठा के, इस तरह जो आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ नहीं हुआ, 36 कौम के साथ कल यही हरकत होगी अगर अपन नहीं जागे तो। ऐसी स्थिति में मेरा 36 कौम से यही निर्णय रहेगा कि आप इस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बनकर सब तैयार रहे, तो आने वाले समय में ऐसी दोबारा दुर्घटना नहीं होगी, नहीं तो हमें आक्रोशित होके और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि शांति है, शांति बनाए रखो, ठीक है, लेकिन जिस हद तक अपने को घर में घुस के मार रहे हैं, तो ये आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसी सेनाएं तैयार हैं, उनके पीछे ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, आक्रोशित लोग हैं, लेकिन अपन अनुशासन, शांति, ये सेनाएं वो करके उन युवाओं को बिठा देते हैं। आज यहाँ जितने भी युवा उमड़े हैं, ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नाम पे आए हैं, उसका वर्चस्व था, वो हर समाज के लिए लड़ता था, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ता था। इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अगर इस तरह से मारा जाता है, तो आज कल एक बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पदासीन जगह पे बैठे हैं, उनके साथ भी यही घटनाक्रम कारित होगा। तो मेरा सर्व समाज से निवेदन है कि जिस प्रकार से ये 36 कौम इकट्ठा हुआ है, हमारे समाज के मौजूद लोग जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ सभी इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिलाकर जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ संघर्ष जारी रखेंगे।
जय हिंद जय भारत।